अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूसाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो इस टाइम है सहरी का और अभी मैं ना आटा गूंदूंगी और मुझे सालन भी बनाना है। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग आए 10 बजे और 9:30 बजे गैस चली जाती है, तो कुछ भी नहीं बना सकी मैं। तो इसीलिए ना अब मुझे जल्दी सारा काम करना है, मुझे आटा गूंदना है, उसके बाद सालन बनाना है और इसके अलावा तहज्जुद पढ़ना है, कुरान, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने को। आई होप मैं आसानी से मैनेज कर लूँ। इस वक्त टाइम हो रहा है 3, रात के 3 बज रहे हैं। तैमूर मजे से खराटे ले रहे हैं और यहाँ पे मैं टेंशन रहती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आएगी यार, मुझे बस काम करना है। अगर 3 बजे से पहले गैस आ जाती तो मैं पहले काम स्टार्ट कर लेती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 बजे गैस आती है तो मैंने बचा लिया है, क्योंकि एक अफराद के लिए ना ये इतना बहुत है। क्योंकि तैमूर ने खाना है, मैंने नहीं खाना है, सो मैं ये बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि ज़्यादा बना लूँगी ना फिर वो रखा रहेगा और तैमूर एक टाइम का बना हुआ सालन उसी टाइम खाते हैं, उस टाइम दूसरा टाइम नहीं खाते हैं, सो बनाना स्टार्ट करते हैं। जब जल्दी होती है ना काम तभी ज़्यादा ख़राब होते हैं। अभी ना मुझे इसको ग्राइंड करना था साबुत धनिया जीरा को, लेकिन ना वो प्यारी चली गई, उसका जो ब्लेड है ना वो शायद मुड़ गया, तो मुझे नाम रस्ते से करना पड़ा। हाँ जी, सालन मैंने चढ़ा दिया है, अब मैं आई हूँ आटा गूँने, तो आटा गूँते हैं और उसके बाद ना फिर मैंने वजू करके तहज्जुद पढ़ना। 3:30 हो रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर मैं आटा गूँ रही हूँ और ना इस वक्त इतना कोई ड्राउनी माहौल हुआ है, बाहर गली मैंने कुत्ते भाव कराए हैं, मेरी जान निकल रही है, मैं बहुत डरती हूँ कुत्तों से, मुझे हर जानवर से डर लगता है, इवन कि मुझे छोटे से चूजे से भी डर लगता है, पर इसको भूलती हूँ मैं। मुझे हर महीने ब्रश चेंज करना होता है, तो मैंने तैमूर से ब्रश मंगवाया, उन्होंने मुझे इस बार ये देखे छोटू से क्यूट सा ला के दिया, ऐसा लग रहा है ये मेरे छोटे से कज़न अब्दुल हक का ब्रश है, क्यूट लग रहा है। असल में मुझे ना छोटे ब्रिसल्स वाला चाहिए होता है, सो खैर अच्छा लग रहा है ये भी। अभी ना मेरे साथ बहुत गंदा सीन हो गया, मैं उदास हो गई हूँ। मैंने इतनी मेहनत से तैमूर के लिए ग्रीन कढ़ाई बनाई थी और ये देखें आप कि लग गई है। मुझे बहुत ज़्यादा ना बुरा फील हो रहा है यार, ऐसे हो जाना कैमरे। हाँ ये नज़र आ रहा है आपको कलर, कलर ये थोड़ी सी लग गई है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मतलब इसमें स्मेल आ जाएगी ना, तो हाँ मैंने ये सोचा है कि मैं ना कबाब निकाल लेती हूँ, कबाब फ्राई कर लूँगी और अंडा फ्राई कर लूँगी, यही सोचा है मैंने ना। सालन भी दिखा दूँगी तैमूर को, मे भी वो खा लें। और यहाँ पे ना छोले मैंने बॉईल कर दिए, ये ना पता है क्यों होता है, ये एक साथ आप बहुत सारे काम करो ना तब होता है। हालांकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी कुछ जलाया हो। तो अब मैं आ गई हूँ तहज्जुद पढ़ने और आज मैं लेट हो गई हूँ, वरना मैं टाइम से पढ़ लेती हूँ। 3:30 बजे मैं बैठी होती हूँ आराम से, तहज्जुद पढ़ी होती हूँ, कुरान पाक पढ़ी होती हूँ, बट आज ये सब कामों में और अभी साइड भी हो गई हूँ मैं, लेकिन खैर तैमूर खा लेंगे। वैसे मुझे आइडिया नहीं है वो जलावा खाना खा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी जलाया नहीं। खैर और भी ऑप्शंस हैं मेरे पास, कबाब है, अंडा है, कुछ भी कर सकती हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो तहज्जुद पढ़ते हैं हम। चलें मैं तैमूर को जगाती हूँ, फिर सहरी बनाती हूँ, आज कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तैमूर, 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 5 बज गए, 5 बज रहे हैं, पता है आपको? झूठ बोलना पड़ा है। हाँ 5 बज रहे हैं, मैंने उठन गया, सहरी में झूठ बुलवाते हैं। पराठा अब मैं देने जाती हूँ तैमूर को सहरी। आपको पता लगे ये जल गया तो फिर
नजर आ रहा है जला हुआ? तो फिर खाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है? बताएं, खाने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, गुड, खा लो। सो फाइनली बर्तन ड्यूटी कंप्लीट हो गई। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने। तो ब्रश हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, अज़ान हो गई है और अब मैं पढ़ी हूँ फजर की नमाज़। और उसके बाद ना हम सोने की तैयारी करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जहर में। ये आपको रेड रेड नज़र आ रहा है, ये शादी से पहले होता था मेरे, जब मैं बर्तन वॉश करती थी और अब मेरी जान छूट गई थी, लेकिन अब ये दोबारा ऐसी हो रही है, ख़ारिश हो रही है, रेडनेस हो गई है। तो करते हैं अब घर की सफाई। मेरे घर बहुत गंदा हो रहा है, बेडशीट तो मैंने चेंज कर ली थी, ये तैमूर ने लेट के सारी ख़राब कर दी। तो मैं सफाई करती हूँ और फिर मुझे कपड़े भी खंगालने, मैंने कपड़े भी भिगोए हुए सरफ में, वो भी मुझे खंगालने हैं, तो ये सारे काम करते हैं हम। यहाँ पे मैंने छोले बॉईल करने रख दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ जहर करने। जहर पढ़ते हैं, आज सूरज ग्रहण था और पता नहीं क्यों मुझे सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। खैर मैं तो अपने रूम में ही थी और अभी आई हूँ मैं, तो अब मैं पढ़ रही हूँ जहर की नमाज, ठीक है, फिर मुलाकात होती है। 5:30 और मेरे साथ सीन ये हुआ है कि मैंने नमाज़ पढ़ी है और कुरान पढ़ा, उसके बाद मुझे नींद के झोंके आए, मैं लेट गई मेरी आँख लग गई। ऐसा हुआ नहीं कभी मेरे साथ, कैसे बेटा है मैं सो जाऊँ। आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है सीरीज। छोले उबल गए हैं और आलू के पकौड़े बना लेती हूँ और फ्रूट चाट बना लेती हूँ, तो हम खुश हो जाएंगे आलू के पकौड़े देख के। यहाँ पे आलू के पकौड़ों के लिए मैंने आलू कट कर लिए हैं, बैटर रेडी है, फ्रूट चाट रेडी है, शरबत रेडी है, इन दोनों को मैं फ्रिज में रख कर आती हूँ और असर की नमाज के बाद मैं ये फ्राई करूँगी। हमारा किचन कंप्लीट हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, यहाँ पे हो रही है माश की दाल बॉईल। अब हम चलते हैं मगरिब की नमाज पढ़ने। यहाँ पे मगरिब की नमाज मैंने पढ़ ली है और मैं जाती हूँ थोड़ी देर तैमूर के पास, थोड़ा सा उनको टाइम देते हैं, फिर वो चले जाएंगे तरावी के लिए, फिर मैं अकेली हो जाऊँगी, तो इशा पढ़ लूँगी और कुरान पाक पढ़ लूँगी। अभी मैं माश की दाल बना रही हूँ, आज मेरा माश की दाल बनाने का दिल था, रोज़ाना गोश्त खा खा के ना दिल भर गया, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, तैमूर को पसंद है माश की दाल, सो मैंने अभी इसको बॉईल करके रख दी है, या तो मैं अभी बना लूँगी या मैं सहरी में इसको बनाऊँगी। और लहसुन अदरक छील के रखना है मुझे, मैं पूरे वीक का छील के रख देती हूँ, वो भी कर लूँगी काम, तो ये सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बना रही हूँ माश की दाल और मसाला मैं भून के रख रही हूँ, बाकी फिर सुबह कंप्लीट कर लूँगी ताकि बासी भी नहीं लगे। और हाँ जी जनाब, मैं जा रही हूँ इशा पढ़ने और ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अल्लाह ताला आपके घरों में आसानियां करे, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियां दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमामी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।